नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत आप लोगों को मूवीज में मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज संडे है तो संडे डे में सभी लोग फंड करते हैं या मस्ती करते हैं। तो आज ज़्यादातर लोग बाहर से नहीं निकलना है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी हम लोग के लिए जनता कर्फ्यू चालू किया है, जिसके सभी लोगों को एक सहमत होना है, क्योंकि हम लोगों के लिए ये चालू किया है। तो चलिए, संडे में आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त और शानदार एक पिक्स लेकर आया हूँ, और EMI जो गिलाड़ी होता है उसमें क्या क्या नया फीचर्स आए हैं और किस प्रकार से क्या करना है, वो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि EMI गैलरी में कुछ नया अपडेट आया है जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जो नया ओटिक्स क्या है, क्योंकि नया जो ऑप्शन आया है आपको हर चीज़ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको जरूर पता चल जाएगा जो न्यू जो टिक्स हैं वो क्या हैं और क्या क्या इसमें नया नया फीचर्स मिला है। तो चलिए हम लोग चला जाते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं वो नया ओटिक्स क्या है। चलिए हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो EMI का जो EMI 11.0.8 में जो गैलरी ऐप्स हैं उसमें क्या नया फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए मैं गैलरी को ओपन कर लिया हूँ। जैसे गैलरी को ओपन कर लिया हूँ तो देख सकते हैं इसका इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, और जब भी मैं एल्बम में जाता हूँ देख सकते हैं जो एल्बम में पूरा तरीके से इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। और जैसे मैं थ्री डॉट में क्लिक करता हूँ तो इस जगह में आपको एक नया फीचर्स मिल जाता है जो है शॉर्ट और ट्रांसबिन। तो शॉर्ट में क्या होता है आपका देखा था, जैसे मैं शॉर्ट में क्लिक करता हूँ तो कस्टम और फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम जेड टू एड और फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, मतलब आपका जितना सारा फोटो है उस किस कैटेगरी रखना है वो आप कर सकते हैं इस अपडेट के वजह से। मतलब अभी जो गैलरी में ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ तो पहले आपको दिखा देता हूँ इसको वर्सन क्या है। तो देख सकते हैं इसका जो वर्सन है 2.2.15.13, ये नया वर्सन है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस जगह से आप इस फीचर्स को एक्सेस करते हैं। चलिए देखते हैं जो और नया नया फीचर्स इसमें क्या मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं जो और नया फीचर्स क्या मिलता है। मैं पहले सेटिंग में चला जाता हूँ। जैसे मैं सेटिंग में आ गया हूँ तो इसमें जो पहला मिलता है ए सो इस स्लाइडर फॉर, इस जगह में आप कर सकते हैं आपका सेकेंड उसको बढ़ा सकता है 3 से लेकर 3600 तक सेकंड को बढ़ा सकता है। मतलब आपको फोटो किस प्रकार से आएगा आपको लाइव को मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं स्लाइड करता हूँ कोई फोटो के ऊपर तो स्लाइड में जो अंतर रहेगा, एक फोटो 3 सेकंड के बाद आएगा या 10 सेकंड के बाद आएगा दूसरा फोटो, या 15 सेकंड के बाद में आएगा या 1 घंटा बाद आएगा, वो आप इस जगह सेटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। और ये दूसरा फीचर है लूप ऑल साइड्स, ये भी कमाल का फीचर है। और दूसरा फीचर है कॉन्वर्ट HEIF टू JPG बिफोर सेंडिंग, मतलब आपका फाइल में कोई पिक्चर अगर इस फॉर्म में होगा तो जब भी आप किसी सेंड करेंगे तो आप JPG में उसको कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, है ना कमाल का चीज़। और दूसरा चीज़ है जो ट्रांसबिन, इस जगह जो ट्रांसबिन है बहुत ही कमाल का चीज़ है, आपको देखा देता है जो ट्रांसबिन क्या होता है। जैसे मैं ट्रांसबिन क्लिक करता हूँ तो इस जगह में जितना सारा आपका डिलीट हुआ फोटो तो ट्रांसबिन आ जाता है। जैसे आप गैलरी से कोई फोटो को डिलीट करते हैं तो डायरेक्टली आ जाता है ट्रांसबिन में, और इस जगह से आपको देगा होगा जो 28 डेज या 29 डेज 30 डेज, मतलब इस डेज के अंदर आप इस जगह में आके इस फोटो को फिर से आपको गैलरी में ले जा सकते हैं, मतलब फिर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना कमल का टिक्स। लेकिन पहले फीचर नहीं था, इसमें नया फीचर आया है। चलिए चलते हैं दूसरा फीचर्स के ऊपर जो और क्या नया चीज़ मिलता है। तो मैं आ गया हूँ फोटोज़ के ऊपर, और फोटोज़ में आने के बाद हम देख लेते हैं जो क्या, मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं 4 आइटम को सिलेक्ट किया हूँ और आपको नीचे की तरफ दिखा दे रहा है जो ऐड टू एल्बम क्रिएटिविटी सेंड एंड डिलीट, मैं क्रिएटिव क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्रिएटिव क्लिक करता हूँ तो इसमें 2 ऑप्शन होता है कॉलाज और क्लिप का। जैसे मैं आप लोग तो जानते होंगे जो कॉलाज पहले भी था और जिसमें आप कॉलाज का फोटो बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बताऊंगा आज, आपके बताऊंगा जो क्लिप के बारे में। जैसे मैं क्लिप में क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैक और 10 सेकंड वीडियो, लॉन्गर वीडियो एंड सेव। और इस जगह मुझे फीचर मिलता है टेम्पलेट म्यूजिक एंड एडिट। तो जब भी मैं एडिट में जाता हूँ, एडिट में जाने का जब फोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो इस जगह में टोटल 1 से 16 फोटो हम ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको मैं 7 फोटो ऐड कर लिया हूँ। करने के बाद इस जगह से आप टेम्पलेट कोई भी चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारा टेम्पलेट है और जिसमें आपको आपको दिखाई दे रहा है म्यूजिक भी कोई भी आप सेट कर सकते हैं इस जगह से, बहुत कमाल का फीचर्स हैं। चलिए चलते हैं दूसरा टिक्स का ऊपर और देख लेते हैं नया फीचर्स क्या है। जैसे मैं कोई वीडियो को देखता हूँ और इस वीडियो को मैं एडिट में जाता हूँ तो एडिट में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो इफेक्ट थ्रीम फिल्टर ऑडियो वाटरमार्क, तो इफेक्ट में जाके बहुत सारा इफेक्ट है, इस कोई भी इफेक्ट आप वीडियो के अंदर लगा सकते हैं, आपका दूसरे एप्लीकेशन का जरूरत नहीं है, अच्छे से आप एडिट कर सकते हैं इस जगह से। और दूसरा चीज़ है थ्रीम, तो इस जगह वीडियो को काट कर सकते हैं, जिस जगह अगर रखना है या कुछ खराब है इस वीडियो में उसको काट कर सकता है इस जगह में अच्छे से। तो फिल्टर भी आपको लगा सकते हैं, जो फिल्टर में 2 ऑप्शन होता है फिल्टर है एडजस्ट, आपको एडजस्ट करके ब्राइटनेस ये सारी चीज़ को कॉन्ट्रास्ट को अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है जो इस जगह में आप ऑडियो भी लगा सकते हैं, चाहे तो आपका लोकल फाइल का भी ऑडियो इस जगह लगा सकते हैं, तो है ना कमल का। और दूसरा चीज़ आप वीडियो के अंदर वाटर मार्क भी इस जगह लगा सकते हैं। यही था कमल का फीचर, और देख लेते हैं और क्या नया फीचर मिलते हैं। तो इस जगह से आप स्लो मोशन वीडियो को किस प्रकार से वो सेव कर सकते हैं उसका वीडियो मैं सेपरेट बना दिया हूँ, आपको आई बटन मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है जो आप कोई भी फोटो में एडिट करता हूँ, जैसे कोई स्काई वाला मैं फोटो ले लेता हूँ, जैसे इसमें थोड़ा सा स्काई है, जब भी मैं एडिट में आता हूँ एडिट में आने के बाद इसमें ब्यूटी क्रॉप फिल्टर और स्टिकर मिलते हैं। तो मैं जब फिल्टर में आता हूँ तो फिल्टर में आने के बाद दो चीज़ मिलता है, एक है पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट में जाने के बाद आपको कलर पॉप मिलता है, जिसमें क्या होता है मैं कलर पॉप में जब भी क्लिक कर देता हूँ फोटो का जो
बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा व्हाइट कर देगा, लेकिन आपका जो खुद का जो पिक्चर है तो उसको आपको लाइटली कर देगा, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ओनली फॉर इंसान के ऊपर ये इफेक्ट होता है, लेकिन दूसरा चीज़ के ऊपर नहीं होगा। और दूसरा तो जब जब मैं स्काई में जाता हूँ तो फिल्टर में जाके और स्काई में आता हूँ तो इस अपडेट के बाद आपको कुछ नया फीचर्स मिलते हैं तीन, और जो स्नो डबल रेनबो और रेनबो। तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं स्नो में कर देता हूँ तो कुछ रेन गिरने लगेगा मेरा मेरा ऊपर, और डबल रेनबो कर देता है तो देख सकते हो डबल रेनबो और रेनबो। इस प्रकार से इफेक्ट दे, बहुत अच्छा से आप एडिट कर सकते हो कोई भी फोटो को, है ना कमल का चीज़। दूसरा है आप रिमूव वाटर मार्क, आप देख सकते हैं जो रिमूव वाटर मार्क देखा रहे तो इस जगह में ऐड या रिमूव कर सकते हैं, जो आपको देखा दे रहा है मेरा वाटर मार्क लिखा हुआ है और 2023-11 को, जिसको मैं रिमूव कर सकता हूँ और सेव कर सकता हूँ, चाहे तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। यही था इस जगह कमल का फीचर्स। तो और एक नया फीचर्स मिल जाता है, जैसे गैलरी में कोई भी वीडियो को हम सेंड करता हूँ तो बहुत सारा वीडियो होता है तो उसका फाइल बहुत बड़ा होता है जिसको हम सेंड नहीं कर पाता हूँ, तो इस जगह मैं क्रोमपेज का ऑप्शन है आपको दिखा देता हूँ। कोई भी वीडियो मैं चुन लेता हूँ, जैसे उसको सेंड करता हूँ तो मोड में जाता हूँ, तो जाने के बाद आप क्रोमपेज वीडियो, जैसे मैं क्रोमपेज में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख पा रहा है जो आपके पास तीन चार ऑप्शन आ गया है, जो करंट रिजोल्यूशन दिखा रहा है जो 4K अनक्रोमपेस्ड और 4K हाई डेफिनेशन जिसका इतना क्वालिटी होगा 1080 और 2720, सॉरी 720 रेजोल्यूशन में भेज सकते हैं, है ना कमल का टिक्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में पहले आपको इतना सारा वीडियो मिल जाता है जिसमें आपको अपकमिंग वीडियो मिलता है। चलिए थैंक यू, मिलता है अगला वीडियो के ऊपर।